ये पहले तो ये सेट देखो, ये मैंने, और ये है मेरी इंगेजमेंट रिंग का डिजाइन देख लो, बहुत लोगों ने, और ये मेरी शादी के फर्स्ट डे की लुक है जो मैं यहाँ से रेडी होके गई थी अपने घर। लाइट्स कैमरा एक्शन। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग होने वाला है कि मैं आपको अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी, मतलब गोल्ड का तो सब दिखाते हैं लेकिन मैं आर्टिफिशियल भी दिखाऊंगी कि जो हम ड्रेसेस के साथ मैच करके पहनते हैं। और अब करवा चौथ आने वाला है तो और ज़्यादा ये हो रहा है कि क्या लुक लेके आए न्यू कि हम और ज़्यादा अच्छे लगे, पहले से ज़्यादा कुछ अलग हो। तो फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ, इस साइड है गोल्ड का सामान, इस साइड है आर्टिफिशियल सामान और चूड़े वगैरह जो भी हैं मेरी कलेक्शन। तो पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड से, ये रहा। तो ये पहले तो ये सेट देखो, ये मैंने वियर किया था, सबने नोटिस भी किया होगा, ये जब लड्डू के पीले का फंक्शन था उस पर मैंने गाउन पे डाल रखा था, बहुत ही स्लीक और साड़ी पे भी बहुत सुंदर लगेगा ऐसा नेकलेस है ये। और इसके इयररिंग्स कहाँ रखे हैं, इयररिंग्स अभी मिसिंग हैं इसके, रखे हैं मैंने क्योंकि इयररिंग्स यूज़ किए थे। ये है मेरा गोल्ड का सेट, इसके लिए बहुतों ने पूछा था कि इसका वेट कितना है और कहाँ से लिया ये सब। बाकी देखो ये पर्ल है सारा, और ये है इसका गोल्ड का पेंडेंट, और ये है इसके छोटे छोटे इयररिंग्स जो आप वैसे भी सूट्स पे कहीं छोटी मोटी पार्टी में वेयर कर सकते हो, और इजीली फेस्टिवल्स पे भी। अब जैसे फेस्टिवल आ रही है, दिवाली आ रही है और होई है, करवा चौथ है, बहुत सारी चीज़ है। तो इसमें कितना था, ये था 1.5-2 तोले के आसपास था आराम से, क्योंकि मुझे ज़्यादा याद नहीं क्योंकि मम्मी लेके आई थी। तो ये वाला, ये देखो, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कैसा लगा मेरा कलेक्शन ज्वेलरी का। मतलब गोल्ड का तो बहुत सा देख भी रखा है, कुछ चीज़ें आपने नहीं देख रखी है। मतलब मैंने, अगर आपने कनिका की शादी के व्लॉग्स देखे होंगे स्टार्टिंग के मेहंदी वाला दिन का, तो मैंने उसमें एक लंबा हार पहना था और गले में भी था जो मेरे घर से था, एक था जो आशीष के घर से था, वो भी मैं इसमें फ़ोटो डाल दूँगी। ये है डायमंड का नेकलेस, स्लीक सा है बिल्कुल, ये आप वेस्टर्न के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो, इतना ब्यूटीफुल है ये। और इसके ये छोटे छोटे इयररिंग्स, और ये है, ये भी इंगेजमेंट का है, मेरी इंगेजमेंट पे दिया था मेरे ससुराल वालों ने। और ये है मेरे डेली वेयर के टॉप्स जो मैं शादी में लेके आई थी, और ये वाले जब तुषार ने गाड़ी ली थी तब ये दिए थे, छोटे वाले जो मैंने अभी पहन रखे हैं। और ये है मेरी इंगेजमेंट रिंग डायमंड की, ये देखो सुंदर डायमंड, सुंदर लगता है लेकिन वर्थ तो गोल्ड ही होता है, बट शौक पूरे करने के लिए कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ गिर लिया बार बार ये। और ये है, एक आशीष ने दी थी ये रिंग मुझे बर्थडे पर जब हम ऋषिकेश गए थे, आपने व्लॉग देखा होगा, ये देखो कितना सुंदर है ये, अभी रिसेंटली मैंने पहनी थी ये। और ये रिंग मैं खुद लेके आई थी, मतलब लहंगे साड़ी, मतलब हैवी चीज़ों पे डालने के लिए। अब इसको करवा चौथ पे ही डालूंगी, लास्ट मैंने पता नहीं लहंगे साड़ी पे डाली थी, कनिका की शादी में डाली थी आई थिंक लास्ट मैंने। ये सारा कुंदन का काम है इस पर, और ये बाहर रेड कलर के वो लगे हुए हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं है। ये आई थी रिंग मेरी पीलिए में, लड्डू के पीलिए में, और ये थी मेरी शादी की रिंग जो मुझे अब बिल्कुल भी नहीं आती है, ये यहीं पर टक गया आशीष, इसको रखे रहने देंगे, मेरी उंगलियाँ इतनी पतली हो जाएंगी कि मैं ये रिंग दोबारा पहन पाऊँगा, यहीं पर टक गया। तो ये देखो इसके ये पत्ते हैं ना, इतनी तेज लगे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ ये कोने इसके, तो अभी ये रखी है, इतनी पतली उंगली तो मैंने पता लगता ना होंगी मेरी, यहीं तक आ, यहीं पर पहन लूँगी इसमें। और एक रिंग ये है मेरी जिसमें दो हार्ट बने हुए हैं, ये भी आशीष ने बनवाई थी। तो ये, और ये है मेरा बड़े वाला मंगलसूत्र जो शादी में फेरों के टाइम पे पहनाया था, इसका डिज़ाइन देख लो, बहुत लोगों ने इसको पास से तो नहीं देखा होगा क्योंकि वीडियोज़ में दूरी नज़र आता है, ये देखो पूरी, मतलब जितनी भी शादी में ज्वेलरी मेरे को मिली है ना, सब के इतने सुंदर सुंदर डिजाइन्स थे, बस मतलब पूछो मत, आशीष फोन पे ही राजी करते रहा करते, ये लेके आए आज, वो लेके आई, ऐसा डिज़ाइन वैसा डिज़ाइन, और फिर मैं इतनी क्यूरियस हो जाती थी देखने के लिए कि दिखाओ मुझे, पर दिखाया नहीं कभी।
तो ये था जो मेरे पास गोल्ड रखा है, बाकी आशीष का भी रखा है, तो मैंने बॉयज का नहीं दिखाना, अपना ही दिखाऊंगी। तो ये था मेरा गोल्ड का कलेक्शन। लड्डू से पहले हाथ हमारे सारी चीज बंद कर कर रखा हूँ। उसने दिखाना वो क्या कर रहा है, वो तोड़ दी भाई। हो टायर निकाल दिया, तोड़ दी, कर दिया नुकसान। सॉरी बोलो, अब लड्डू सॉरी बोलो। तोड़ भी दी ना, नई की नई साइकिल। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ वापस वीडियो पे। तो और एक ये है मेरा गोल्ड का मंगलसूत्र, छोटा घर में पहनने के लिए, डबल चेन वाला, चेन उलझी जाती है इसकी हमेशा। ये रहा इसका डिजाइन। तो गोल्ड का कलेक्शन होता है यहाँ खत्म, और इसके बाद ये फोटो लग जाएगी कि मेरे और दो सेट कैसे हैं, और जो बैंगल्स थे वो मैंने जापे में दे दिए हैं कड़े अपनी नंदों को। तो नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल कलेक्शन, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इतना सुंदर सुंदर सेट चल रहे हैं, गोल्ड लेन का मन ही ना करता। गोल्ड जैसे ही मतलब किसी ने उल्लू बनाना हो ना तो यू काम कर सके, लेकिन अपनी गोल्ड की अलग बात हो। तो ये देखो गाइस, आप ये सोच, ये आर्टिफिशियल सेट है, ये बहुत बार पहन भी रखा है, कई लोगों ने पहन रखा है। ये देखो, ये आप बिलीव नहीं करोगे, मीशो पे से मंगाया था मैंने ये सेट। मीशो पे बहुत ही ये सोचते हैं कि अच्छा सामान नहीं है। हाँ खेलो खेलो, मीशो पे ये सोचते हैं कि अच्छा सामान नहीं आता, लेकिन जब मैंने ट्राई किया मुझे, हाँ खेलो, ये सेट बहुत ही सुंदर निकल के आया था, मतलब यकीन नहीं हुआ था। यूज किया अलग हो रहा है। उसकी गेस्ट अपीयरेंस है भाई, ऐसे मत काटो उसको। और ये है इसके छोटे छोटे इयररिंग्स, ये देखो, ये मीशो पे मिल जाएगा इजीली अवेलेबल, अगर किसी को पसंद आए तो, साड़ी वगैरह पे डालने के लिए। और अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट सेट ये है, ये देखो, ये भी ऐसे सिल्वर में है, सिल्वर गोल्डन मिक्स टाइप का है। ये मैंने अपनी एंगेजमेंट पे डाला था, एंगेजमेंट पे लिया था, और उसके बाद भी कई बार पहन लिया। और ये इसके बड़े बड़े इयररिंग्स, खाली इयररिंग्स भी आपको। लड्डू चुप ना बेटू, सुनाई नहीं देगा फिर किसी को कुछ भी, नाराज हो। फिंगर ऑन योर माउथ, ये खाली आप किसी ड्रेस पे भी डाल सकते हो, सिर्फ अगर डैंगलर्स डालने हैं आपको तो। लड्डू आज तो तू वीडियो बॉम्बर बन रहा है पूरा। इतनी तेज। कल का इंसिडेंस बताती हूँ रात को गाइस, रात को 12 बज रहे, 12:30, और ये लड़का यहाँ दरवाजे पर खड़ा होगा, खोल के दरवाजा, भी मैं बाहर थी, और इतनी तेज तेज चिल्लाने लग रहा, सब उठ गए चुप। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, ये है मेरा सबसे बड़ा सेट, ये मैं लेके आई थी कनिका की शादी में, ये है इयररिंग्स। मैंने लहंगे के ऊपर वेयर किया था जब अपना लहंगा, मैंने ब्राइडल लहंगा अपना कनिका की शादी में पहना था। ये इसमें क्योंकि बहुत हैवी था, इसमें टीका नहीं था अवेलेबल, तो मैंने माथा पट्टी को शीश को पट्टी लगाई थी, ये देखो डबल डोरी के साथ, क्योंकि हैवी है तो इतना सुंदर। दोबारा पहनने का मन करता है, इतना सुंदर है। ओ बेटे कितनी सारी आईलैशेस मिल गई। ये इसके एक्स्ट्रा बीड्स निकलवाए थे इयररिंग्स में, निकलवाए थे इयररिंग्स में थे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे लग रहे थे इसलिए मैंने ये हटवा दी। आईलैशेस पे आईलैशेस मिलने लग रही है देखना, 1 2 3 तीसरी एक और है। ये अब करवा चौथ पे, तो ये वाला मैं पैक करके रख देती हूँ।
तो गाइज नेक्स्ट चीज है ये शीश पट्टी, ये देखो जो यहाँ पे लगाई जाती है, क्योंकि उसके साथ टीका नहीं था इसलिए मैंने यही लगाई थी। कैसी लगी ये? आप ऐसे चोटी पे भी लगा सकते हो, वाओ नाइस आइडिया। आइडिया व्हाट एन आइडिया सर जी। तो ये थी सारी ज्वेलरी। अब है चूड़े की, मेरे पास कितने चूड़े हैं। तो ये है मेरी शादी का रेड चूड़ा, मैंने बहुत हैवी चूड़ा बनवा लिया था। अभी इसके दो जर्कन वाले कड़े तो मैंने दूसरे चूड़े में डाल दिए ताकि वो भी सेट पूरा रहे। ये देखो ये पहना था मैंने शादी पे अपनी, गोल्डन बॉक्स। एक ये है जो अब राजस्थानी रजवाड़ा टाइप चूड़े चले हुए हैं, वो है ये वाला, ये रहा ग्रीन। बहुत सारे चल रहे हैं आजकल तो, ये देखो। कमेंट करके बताना जरूर गाइज आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शन कैसी लगी, चूड़ा कलेक्शन। बाद में इसको एक ही रहा फुल, ये और हैवी है इस वाले से जो ये वाला दिखाया है, ये देखो इसमें ये कड़े एक्स्ट्रा हैं, मतलब वो बीच में भी कड़ा हैवी है। ये भी मम्मी ने पीलिए में दिया था। ये है मेरा पिंक चूड़ा जो मैं रिसेंटली लेके आई थी, अभी आपको वीडियो भी देखी थी आपने। इसमें डाल दिया मैंने ये वाले कड़े जर्कन वाले में, सिर्फ ये डॉटेड और पिंक लेके आई थी। और अब मेरे को एक चाहिए मेहरून चूड़ा, मेहरून चूड़े की और ख्वाहिश है। बाकी सारे कलर हैं मेरे पास, कलर्स तो इतने सारे। पीच भी चाहिए, पीच भी कलर लेके आऊँगी, वो भी बड़ा सुंदर लगता है ऐसे सूटों पर, ऐसे कलर के सूटों पर बड़ा अच्छा लगता है। तो ये था मेरा चूड़े का कलेक्शन। और ये है मेरी शादी के कलीरे, तो मैं सोच रही हूँ इस बार करवा चौथ पे मैं इनको भी यूज़ करूँ। बेचारे कुछ काम नहीं आते, इतने महंगे आ हैं और ऊपर से रखे रहते हैं फिर एक बार पहन के। और ये तो एक मेरा फेरों पे इसकी डोरी निकल के गिरी थी तो इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी दोबारा से। ऐसे पूरा मैं चाहती हूँ इस बार मैं फुल की दुल्हन की तरह सजूँ करवा चौथ पे। तो गाइज कैसी लुक निकल के आने वाली है वो तो मुझे भी नहीं पता, जब आएगी तब आप सब कमेंट भी कर देना कि कैसे लग रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, गोल्ड का भी और अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग इयररिंग्स भी हैं, मतलब ढेर सारी बैंगल्स भी हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी दिखाने का क्या फ़ायदा, कांच की जो मैचिंग की चूड़ियाँ लेके आती हूँ मैं सारी। तो ये वाला व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, और ज़रूर कमेंट करके बताना आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी और मेरा सारा ज्वेलरी कलेक्शन कैसा लगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग हमारे साथ देखते रहो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।